हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आज के वीडियो में अपन जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यानी सीमांत संतुलन की बात करेंगे किसके लिए, इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत समतल के लिए। अब ये आनत समतल क्या होता है इसको भी अभी अपन देखेंगे, सारी चीज़ें जो होती है उनको अपन देखेंगे। सबसे पहले तो आपको आनत समतल के बारे में पता होना चाहिए। आनत समतल का मतलब एक तिरछा जो फर्श होता है, ठीक है। जैसे मान लो अपना इस तरह से कोई ही वैल्यू है, ये कोई फर्श है और इस पर से कोई वस्तु जो है वो फिसल रही है, ठीक है। इस मतलब ऐसे फर्श पर या ऐसा जो प्लेन है, ऐसा जो समतल है उस पर वस्तु के फिसलने के लिए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जो है, सीमांत संतुलन की जो अवस्था है वो क्या रहेगी, उसको अपन यहाँ पर आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, आनत। हिंदी में बोलते हैं इंक्लाइंड को आनत। आनत समतल पर सीमांत संतुलन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था के लिए अपने को यहाँ पे बात करनी है कि कौन से प्लेन के लिए, आनत समतल के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए। अब देखिए इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए अपन किस तरह से जो वैल्यूज हैं उनको निकालेंगे। इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो अपने क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाता हुआ होता है। मान लेते हैं ये कोण कितना बना रहा है, ये अल्फा कोण यहाँ पर जो है वो मेक कर रहा है, यानी अल्फा कोण जो है वो यहाँ पर बना रहा है। इतना मेरे हिसाब से सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, लिमिटिंग जो है सीमांत संतुलन। अब सीमांत संतुलन की कंडीशन क्या रहती है, एक थ्योरम की फॉर्म में है, अपन इसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसका स्टेटमेंट रहता है कि किसी आनत समतल पर रखा पिंड अपने भार के अंतर्गत, किसी आनत समतल पर, आनत समतल पर रखा पिंड जब फिसलने की अवस्था में होता है, ठीक है, अपने भार के अंतर्गत, अपने भार के अंतर्गत अंतर्गत फिसलने की अवस्था में, फिसलने की अवस्था से आप समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने तीन टाइप आपको घर्षण के पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था जब फिसलने की अवस्था होती, यानी किस बात कर रहे हैं, सीमांत घर्षण की यहाँ पर बातें होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होती है जब वो फिसलने वाला होता है तब, ठीक है। तो ये फिसलने की अवस्था की बात कर रही है, ये पिंड जो है उस पर फिसला नहीं है, फिसलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अंतर्गत ध्यान रखिएगा, अंतर्गत फिसलने की अवस्था में हो तो क्या कंडीशन रहती है, अवस्था में हो तो समतल का, मैं नीचे लिख देती हूँ, समतल का क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है, क्षैतिज के साथ जो झुकाव कोण है, समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव कोण जो होता है वो अपना किसके बराबर आएगा, घर्षण कोण के बराबर आएगा। ये चीज़ अपने को यहाँ पे प्रूफ करनी है कि जब ये फिसलने की अवस्था में होती है, और यही कंडीशन होती है इसके लिए, कंडीशन क्या रहती है घर्षण कोण के लिए, जब वो सीमांत संतुलन की अवस्था जो इंक्लाइंड प्लेन के लिए होती है तब उसमें अपने कंडीशन यही रहती है कि अपना जो फर्श है उस जो क्षैतिज के साथ जो समतल कोण बना रहा है, यानी ये जो यहाँ पर अल्फा बना रहा है, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, घर्षण कोण के बराबर। अब घर्षण कोण ना अपन ने पीछे पढ़ा हुआ है कि घर्षण कोण क्या होता है, जब अभी अब इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे तो अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अपन यहाँ पर एक पिंड लेते हैं, कोई एक वस्तु लेते हैं जो कहाँ पर स्थित है, अपनी पी पर स्थित है, यहाँ पर ये फिसलने की अवस्था में है,
ठीक है। अब ये यहाँ पर फिसलने की अवस्था में है, तो इस पर तीन टाइप के जो फोर्सेज है वो काम करेंगे। एक तो W जो है वो नीचे की तरफ भार की वजह से काम करेगा, एक इसके जो लंबवत है बिल्कुल वो कौन काम करेगा, R काम करेगा, और एक इस पर घर्षण के कारण कौन काम करेगा, म्यू R जो है वो इस दिशा में काम में करेगा। ठीक है, ये तीन टाइप के जो फोर्सेज होंगे वो यहाँ पर काम में करेंगे। ठीक है, अब ये जो है इस तरह से जाएगी ये लाइन, तो यहाँ पर जो है वो कितना कोण बनेगा, अल्फा कोण बनेगा। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, ये अपन ने पीछे देखा हुआ है। तो शुरुआत में अपन क्वेश्चन को जब अपन ने शुरुआत में जब वैल्यूज़ को लेके चले थे, पिंड की स्थिति को लेके चले थे, तब यहाँ पर अपन कितना कोण लेके चलते हैं, अल्फा कोण लेके चलते हैं। तो इतना आपको ये चीज़ें जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब अपन इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या लिखना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो अपन यहाँ पर देखेंगे P जो है वो फिसलने की अवस्था में, यहाँ पर अपन ने तीन टाइप की जो फोर्सेज है उनको लिख लेते हैं। पिंड निम्न निम्न तीन बलों के द्वारा संतुलन अवस्था में रहेगा। अब ये तीन फोर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे तीन टाइप के जो फोर्सेज है, जो पहले अपन सबसे पहले तो उन फोर्सेज को देखते हैं, फिर उनके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं अपन। पहला फोर्स होता है W है यहाँ पे, दूसरा फोर्स रिएक्शन फोर्स R है, और तीसरा जो फोर्स है वो कौन सा, अपना म्यू R है। ठीक है, जो इसका प्रतिक्रिया बल होता है, ये तीनों फोर्सेज जो है वो यहाँ पर अपने अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या कंडीशन लगाते हैं। अब देखिए अपन क्या कर लेते हैं, ये जो W होता है, ये W अपना क्या है, यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, W, अब W के साथ इसका कितना कोण बन रहा है, अल्फा कोण बन रहा है, तो W के क्या होंगे, घटक डिवाइड होंगे, तो W का ये वाला जो घटक होगा ये होगा W cos अल्फा, और ये जो घटक होगा वो होगा W sin अल्फा। तो इस कंडीशन में जब इसको अपने को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो म्यू आर किसके बराबर होगा, W sin अल्फा के, और R किसके बराबर होगा, W cos अल्फा के बराबर होगा या नहीं होगा, यहाँ से अपन ये चीज़ इजीली देख सकते हैं। तो इनको अपने लिख लेते हैं। ठीक है, जब दोनों का अपन ने वियोजन कर दिया तो पहला आएगा यहाँ पे म्यू आर बराबर, म्यू आर किसके बराबर होगा, W sin अल्फा के बराबर होगा, और R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, W cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ये दो इक्वेशन अपने पास जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। अब अपने को देखना क्या है, अपने को तो यहाँ पर इस अल्फा के बराबर में किसको दिखाना है, लैम्डा को दिखाना है, जो अपना घर्षण कोण होता है। ठीक है, तो बस उसके लिए अपन यहाँ पर देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 जो होता है उनका क्या कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे एक दूसरे में, फिर वहाँ से अपने पास जो रिलेशन बनेगा उससे अपन वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 डिवाइड 2, समीकरण 1 भाग 2 से दोनों समीकरणों को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर इधर तो बच जाएगा म्यू और इधर बच जाएगा टेन अल्फा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, म्यू बराबर क्या आ गया, टेन अल्फा अपने पास आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये अपना यहाँ पर हो गया। अब जब अपन ने घर्षण कोण की बात की थी, तो घर्षण कोण में अपन ने देखा था कि घर्षण कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, घर्षण गुणांक म्यू के बराबर होता है। ये चीज़ अपन ने वहाँ पर देखी थी, प्रूफ भी की थी, दोनों के लिए अपन ने सेम चीज़ें डिस्कस की थी तब। ठीक है, तो अपन वही यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अपन इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि घर्षण गुणांक म्यू बराबर घर्षण कोण अपन ने कितना देखा था, टेन लैम्डा। ठीक है, यही तो देखा था, टेन लैम्डा। तो मतलब म्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से,
टेन ए लैम्डा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फोर नाम दिए। अब समीकरण तीन और चार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हाँ लिख देते हैं, समीकरण तीन व चार से तो क्या हो जाएगा, टेन ए लैम्डा बराबर हो जाएगा टेन ए अल्फा, और टेन से टेन कैंसिल होके क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना रहता है कि अपना जो इस समतल द्वारा क्षैतिज पर जो कोण बनाया जा रहा है अल्फा, वो अपना किसके बराबर है, घर्षण कोण लैम्डा के यहाँ पर बराबर होता है। यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इंक्लाइंड प्लेन जो भी अपना आनत समतल होता है उस पर अपने को इक्विलिब्रियम यानी सीमांत संतुलन की कंडीशन में अपने पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो मेरा घर्षण कोण है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो मेरा क्षैतिज के साथ जो प्लेन जितना कोण बनाता है उतना यहाँ पर है होना चाहिए, तभी अपना यहाँ पर जो है वो जो फोर्स है जो भी पिंड है वो क्या रहेगा, रह पाएगा सीमांत संतुलन की अवस्था में वहाँ पर रह पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इक्विलिब्रियम की बात की है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की इंक्लाइंड प्लेन के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।